अमरीश, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि लिस्ट हुआ टी टू टी में है, टेक्निकल फैक्टर्स हैं, इंडेक्स फंड्स वालों को बेचना है, काफी वॉल्यूम्स हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आपने कोई स्टडी किया है क्या अमरीश? इनफैक्ट जियो फाइनेंशियल में जो भी वैल्यूएशन बन रहा है, इट इज बेसिकली लुकिंग एट आई मीन हाउ द बिजनेस विल बी आफ्टर 3 to 4 years, क्योंकि अभी देखें तो ज्यादा कुछ है नहीं, पर जो एक्सपेक्टेड है फ्रॉम जियो फाइनेंशियल दैट दे विल बी द डिसरप्टर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट। जो बजाज फाइनेंस ने किया था लास्ट 10 साल में, आई थिंक वी शुड सी दैट फ्रॉम जियो फाइनेंशियल ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years, क्योंकि उनके पास जो भी इंग्रेडिएंट जरूरत है सब कुछ है, राइट फ्रॉम डीप पॉकेट्स टू एक्सलेंट प्रोमोटर्स, प्लस दे हैव द डेटा, आई मीन दे हैव द टेक्नोलॉजी, और आई मीन द सॉर्ट ऑफ रीच, क्योंकि जो जियो टेलीकॉम से रीच मिल रहा है उनको, जो रिटेल से उनको रीच मिल रहा है, आई थिंक दैट्स सुपर। तो मुझे लगता है कि आई मीन द अदर एनबीएफसीज का वैल्यूएशन आई थिंक विल गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ जियो फाइनेंशियल, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि एक शायद मल्टी बैगर भी बन सकता है इफ यू टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 4 to 5 years। 4 to 5 years में मल्टी बैगर हो सकता है गुरमीत जी, मल्टी बैगर जियो फाइनेंस? नीरज जी, मल्टी बैगर का पता नहीं, बट स्केल डेफिनेटली अचीव करेगा, और एक क्रेडिट साइकिल चाहिए होगी आपको ना टेस्ट होने के लिए, आपका कलेक्शंस, आपका क्रेडिट अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स। मुझे लगता है एक जब टेस्ट होगा कोविड जैसा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होती है, क्रेडिट साइकिल्स भी बदलती है, तो वहाँ एक थोड़ा टेस्ट होगा, बट जो टीम उन्होंने स्टिच करी है बहुत अच्छी है। दूसरा, जैसे मैंने बोला, एक जो सिनर्जी डेवलप होगी बिजनेसेस में वो बहुत देखने लायक है। वो स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं जो 25 करोड़ यूजर्स अपग्रेड कर सकते हैं पोटेंशियली 1000 रुपए में, अब उसके स्पिल ओवर इफेक्ट दोनों पे है, फाइनेंशियल पेनिट्रेशन पे भी है, रिटेल सेल्स पे भी है, और जियो के अपने रेवेन्यू पे भी। तो वो जो सिनर्जी आएगी उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा जियो फाइनेंशियल पे पेनिट्रेशन में और रिटेल के सेल्स में। पूरा सेल्स फनल है कि जब आप किसी को स्मार्टफोन में मूव करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पार्टनरशिप से भी पैसे कमाते हैं, जो भी आप स्मार्टफोन में फीचर करेंगे आप अपने इकोसिस्टम में पैसा कमाएंगे, जैसे जियो सिनेमा है, सावन है, और भी जो जियो के अपने प्लेटफॉर्म्स है। तो मुझे लगता है कि हमें इस बिजनेस को थोड़ा सा और डेप्थ में जाके एक सेल्स फनल की तरह देखना पड़ेगा कि कितने बिजनेस उससे बेनिफिट होंगे। और मेरी नजर, क्योंकि अनुज ने रिलायंस के शेयर की भी बात करी जियो फाइनेंस के साथ, वो एक ट्रिगर और जो होगा वो जियो का रेवेन्यू होगा, जो उन्होंने नंबर की बात करी 1,19,000 करोड़ की, वो नंबर कैसे कैसे उसका फनल बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम वायरलेस की भी बात कर रहे हैं ब्रॉडबैंड में, कैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, 15,000 कनेक्शन से कह रहे हैं 1.5 लाख कनेक्शन करेंगे। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, और इस एजीएम में बहुत कुछ हम लोगों ने सुना, नई चीज़ें आई हैं और बहुत सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं अनुज। रिलायंस एग्जीक्यूशन के मामले में और वॉक द टॉक, कोई डाउट नहीं है, एब्सोल्युटली। तो इसलिए मैंने ये बड़ा लोडेड क्वेश्चन पूछा था कि 5 साल में वो कह रहे हैं कि हमको सब कुछ मेंटर कर देना है, तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में एक बहुत बड़ी पिक्चर आपको रिलायंस में प्ले होते हुए दिखेगी सारे बिजनेसेस में, और विद इन मतलब 3 साल था, बहुत आगे समय ले रहा हूँ मैं, मुझे लगता है नेक्स्ट 1 ईयर में आपको ये दोनों कंपनियाँ अलग से लिस्ट होती हुई दिखेंगी, जियो और रिटेल। बिल्कुल, रोड मैप बहुत क्लियर है एकदम, और एकदम जैसा आपने कहा, और रिलायंस बिलीव्स इन डूइंग थिंग्स ग्रैंड। जो मुंबई में रहते हैं उन्हें बीके से जाकर ये देखना चाहिए, एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब एक सोच, कई लोगों की सोच जहाँ से जहाँ खत्म होती है वहाँ रिलायंस की सोच शुरू होती है। तो